उससे पूछे बिना कहीं भी अप्लाई मत करना मेरे से, कुकिंग क्लास या कोई भी ऐसी क्लास में। ठीक है हैरी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई हूँ। समझ तो गई हो, लेकिन समझने का फायदा तभी है कि मानोगी। आपको पता है हैरी, आज जो मैडम वहाँ सिखाने आ रही है वो कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट है, मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है हैरी। हेलो दीदी, मेरा नाम है शिनचैन, मेरी उम्र है 5 साल की, आप हमें कुकिंग करना सिखाएंगी, प्लीज सिखाएंगी ना। शिनचैन, आपका स्वागत है, एंट्री कार्ड लाए हैं। हाँ, मेरे पास है, यही तो था, आइए लीजिए। आप मिलकर खुशी हुई दादाजी? अरे आप यहाँ कैसे हैं बताइए डैड, मैंने तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन पर जाते हुए देखा था। तो आपने छोड़ी छुपे हमारा पीछा किया? हाँ बताइए, आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी? कुकिंग में बस डैड ही भाग ले रहे हैं। देखिए मैं ही डैड हूँ, इसलिए मैं ही पार्टिसिपेट करूँगा। नहीं नहीं, मैं हूँ डैड, मेरा नाम है हिरोशी नोहारा और ये है मेरा बेटा शिनचैन नोहारा। तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे और मैं तुम्हारा पिता रहूँगा, सुन लिया ना तुमने? आपको इस सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए डैड। देखो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम्हें ये मौका मिला है। लेकिन मुझे हर बार ऐसी छोटी छोटी बातें आपको क्यों बतानी चाहिए डैड? नहीं, मैं भी यहाँ पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे भी कुकिंग सीखनी है, मुझे करनी है। पर आपको कुकिंग सीखने की क्या जरूरत है? देखो मैं कुछ किए बिना बोर हो जाता हूँ। लगता है ये आसानी से नहीं मानेंगे। शिनचैन बेटा, तुम ही अपने मॉम डैड से कहो ना कि मुझे ले चले, मैं भी कुकिंग सीखना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगे ना? बोलो दादाजी को ले चलिए ना। है? मुझे दादाजी के साथ रहना है, वो मेरे कुकिंग पार्टनर बनेंगे। शिनचैन माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप तीनों लोग एक ही ग्रुप में हैं। क्या? सच में? अब हम कुकिंग करेंगे, मिलकर कुकिंग करेंगे। आपने सोच लिया है ना डैड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिनचैन तुमने बहुत अच्छा काम किया। आप मुझे एक्शन कामिंग सेट दिलाना मत भूलना। एक जैसे एप्रन में तीनों कितने अच्छे लग रहे हैं। आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आपको मिलवाते हैं आपकी कुकिंग टीचर मिसेस की मोहारा से। अरे ये क्या, सब हंस रहे हैं। आप सबका स्वागत है, मेरा नाम नात्सुमी मोहारा है, आज हम सब मिलकर कुकिंग करेंगे, आज आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अरे नहीं, अरे इनको देखकर लगता है आज बहुत ही तैयारी कर रही हूँ मैम। आज हम यहाँ पर बच्चों की पसंदीदा डिश बनाएंगे जो है आलू टिक्की। आप सभी को ध्यान से देखना होगा कि आपको क्या क्या करना है, आप अपनी कुर्सियाँ लेकर आगे आ जाइए। आप दोनों शांत हो जाइए ताकि हम अपना काम शुरू कर सके। ये लोग तो बिल्कुल बच्चे हैं। आज हम आपको सिखाएंगे कुकिंग का आसान तरीका। मुझे यहाँ नहीं आना था। बच्चों के लिए आलू टिक्की कैसे बनाएं? बच्चों को आलू टिक्की बहुत, ये तो अच्छी क्वालिटी का है, आसानी से साफ होने वाला भी है। मुझे इसे ले ही लेना चाहिए। हिमावारी नहीं करो। हिमावारी क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हमें टेस्टी खाना खाना है। तुम्हें हिमावारी के साथ पानी से नहीं खेलना चाहिए। इन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। माफ कीजिए मैम, हमारे यहाँ एक बेबी रूम भी है, मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहें। शुक्रिया, आइए। अच्छा हुआ वो हिमावारी को अपने साथ ले गए। अब हम आराम महसूस कर सकते हैं। पता नहीं खाना कब बनेगा, मैं कब खाऊंगा। अब हम प्याज को बारीक टुकड़ों में काटेंगे और ये काम सिर्फ डैड करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो शुरू करो। ये काम डैड लोगों को करना है तो आप कीजिए ना डैड। तुम डैड हो, तुम करो। लेकिन मेरे डैड तो आप है ना, और आपके लिए मैं हमेशा ही छोटा बच्चा रहूंगा। क्यों डैड? मैं डैड हूँ, पर तुम भी तो डैड हो। आप भी क्या बेकार की बातें कर रहे हैं डैड। देखो तुम्हें मेरी बात जरूर माननी पड़ेगी। किसने कहा था कि हम लोग साथ में कुकिंग करेंगे, बताइए मुझे। ठीक है, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोगों को मिलकर एक साथ शांति से काम करना चाहिए। ठीक है, सब लोग जल्दी से खाना बनाइए, मुझे भूख लगी है। सुनिए मैडम, आती हूँ।
हाँ बताइए। मुझे नहीं पता इसे कैसे काटा जाता है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे काटते हैं। ठीक है। नहीं नहीं इसे ऐसे नहीं काटते, मैं बताती हूँ। देखिए इसे ऐसे पकड़िए और फिर उंगलियों को ऐसे मोड़ लीजिए। अच्छा ऐसे। अरे वाह आप तो बहुत जल्दी सीख गए। मैडम प्लीज इधर आ जाइए। आती हूँ। अरे वाह अब तो जल्दी से सीख गई। मैडम जरा सुनिए मैडम, प्लीज मैडम इधर आएंगी, कुछ पूछना है मुझे। मुझसे पूछ लो मैं बता दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे डैड। देखो इसे इस तरह से करते हैं, तुम जल्दी सीख जाओगे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है डैड। अरे तुम तो बहुत जल्दी सीख रहे हो। छोटी सी बात पर रोया मत करो। मेरी आंखों में प्याज लग रहा है, मैं रो नहीं रहा हूँ डैड, समझिए। मेरी आंख से भी पानी आता है इसलिए मैं नहीं काटूंगा। तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? इसे ठीक से करिए और इसमें से हवा बाहर निकालिए, नहीं तो पकाते समय इसमें क्रैक पड़ जाएंगे। मैं अब भी जल्दी खाने बना सकता हूँ। बहुत ही मुश्किल काम है ये बेटा। बढ़िया कर रहे हो तुम तो बहुत। बस यही की मैं नैनी के घर पे नैनी की मम्मी के लिए बनाते हुए रोज देखता हूँ। कोई बात नहीं मैं भी अब बहुत अच्छा करके दिखाऊंगा। माफ कीजिएगा। काम करो हिरोशी। आप मुझे चांस दीजिए, मैं बहुत ही अच्छा खाना बना सकता हूँ। चाइनीज या कॉन्टिनेंटल में उनमें से कुछ भी बना सकता हूँ। बोलिए बहन। तुम्हारा शुक्रिया। एक बात बताइए आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? शिनचैन अभी छोटा बच्चा है इसलिए तुम अपना काम करो, इसे कुछ मत कहो। देखिए मैम इसे मैंने बनाया है, आप चेक करके बताइए इसमें कुछ कमी तो नहीं है। नहीं नहीं इसमें कोई कमी नहीं है। पता नहीं मैं क्यों आ गया इस क्लास के लिए। अरे वाह ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, क्योंकि इसे हमने बहुत मन लगा कर बनाया है। ठीक है थोड़ा धीरे बोलिए। आप इसे घर पर भी जरूर बनाइएगा। देखो शिनचैन और मैंने अपनी फोटो खींची है, कितनी अच्छी आई है। डर लगता है आपको कुकिंग क्लास में वाकई बहुत मजा आया। हाँ, और कल मैं एक बड़े शख्स से मिलने जा रहा हूँ। अरे मैं भी आपकी साथ चलूंगा, मुझे भी अपनी फैमिली चलिए। यार तुम साथ चलोगे? नहीं शिनचैन तुम्हें तो स्कूल जाना है, क्या आप उसके बाद अपने घर चले जाएंगे? डैड नहीं मैं तुम लोगों के साथ कुछ दिन और रहने वाला हूँ, ठीक है ना? मैं कल छुट्टी ले लूँ, मैं दादाजी के साथ मीटिंग करूँगा। बिल्कुल नहीं।